प्रेमचंद जी की प्राथमिक शिक्षा लमही से थोड़ी ही दूर पर लालपुर जगह वहाँ पर की गई। एक मौलवी जी के यहाँ यह घर पर पढ़ने जाते थे, जहाँ की हमारी मुलाकात इस मौलवी जी से, तो इन्होंने बताया कि हमारे बाबा जो है प्रेमचंद को पढ़ा रहे थे। तो वहाँ पर पढ़ने के बाद प्रेमचंद जी फिर चले गए गोरखपुर अपने पिताजी के साथ, कक्षा 8 तक वहाँ पढ़े। फिर 9वीं कक्षा इन्होंने जो हमारे बनारस के क्विंस कॉलेज में आकर के यहाँ पर दाखिला लिया, और फिर जो है कि वहाँ से हाई स्कूल इन्होंने जो है क्विंस कॉलेज किया। क्षेत्र है ये जो है प्रेमचंद का जो है अंतिम कहानी सर्वश्रेष्ठ जो है कफन, आज कफन वाला गांव यही है, जहां से कि आज भी ऐसे घिसु और माधव अपने जिंदगी के तंगी को जो है कि झेलते हैं, और जो है वो समझ ही नहीं पाते कि अमीरी क्या चीज होती है, सुख क्या चीज होता है, और उनकी यही लीला होती है। ये जो है बीएचयू में कार्यक्रम हुआ था, ये जो है अमेरिका के हिंदी के टीचर है, और ये हमारे जो कार्यक्रम हुआ है उसका, ये जो मुलायम सिंह यहाँ पर आए थे तो उस समय का है, और ये सब हमारे कमिश्नर साहब अधिकारी लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं मैं उनको, ये सारे कमिश्नर साहब हैं, ये सब कमिश्नर साहब लोग हैं। ये प्रेमचंद के परिवार के लोग, जिसका जो है ये किनारे मैं हूँ, ये प्रेमचंद के परिवार से हैं, ये प्रेमचंद के पोते हैं, ये श्रीपत लाल के बेटे, अभी एक साल पहले बेचारे गुजर गए। ये छड़ी वाले कौन से उनके पोते हैं? ए वाले। अच्छा, हाँ, ये छड़ी वाले प्रेमचंद के जो है ये भतीजा हैं। तो ये लोग कहाँ रहते हैं, इनकी फैमिली? ये 1959 में छोड़ के चले गए इलाहाबाद, और धूप छाव मकान है ये, वहाँ पर लोग रहते हैं सर्किट हाउस के बगल में। अब ऐसे एक आध लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अब कहाँ वह जो है कि लमही, कहाँ वह गरीबी, कहाँ वह मजबूरी, कहाँ वह कहानियाँ, अब वो सब जो है कि लोगों की बस के जो है कि आगे होती है। हमारा संबंध प्रेमचंद से साहित्यिक संबंध ही नहीं है, बल्कि पारिवारिक संबंध है, जैसा कि एक गाँव का रिश्ता होता है, खान है, पान है, शादी है, ब्याह है, मरने है, करने है। तो आज भी जो है कि है, तो प्रेमचंद को जो है कि आज मैं जो है बड़े गहराई से आज उनके परिवार से भी संबंध है कि प्रेमचंद क्या थे, उनका परिवार क्या था, आज लोग क्या हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जो है आज इस गाँव का रहने के नाते मैं बहुत कुछ लोगों को बता पाता हूँ। आज तो दिल्ली से, बॉम्बे से तमाम लोग आते हैं, और लेकिन अगर लमही की कहानी अगर किसी को बतानी है तो जो है कि वो लमही का ही लोग बता सकते हैं। तो बताएं ना कि जो लोग कहानी पढ़ करके बताते हैं, मैं कहानी बन करके बताता हूँ, मैं खुद एक कहानी हूँ।